ऐसा नहीं बोलिए। बैठ लीजिए सर, एक तो बैठ। ये माली को आप लोग ऑर्डर देके बुला सकते हैं, फोन करके आपका भी बगीचा सजा देंगे अच्छे से। बस बहुत ज्यादा हो जाएगा पानी। चलो इसको ऐसा नहीं पुराना, इसको ना पहले साफ सुफ करोगे ना? वो मैं कर लूंगी, आप इसको लगा दो। किसके तरफ से स्वीकार करें? किसका? आपके बर्थडे, मेरे बर्थडे का। ये भी तो मेरा ही खरीदा हुआ है। ये ऐसा तोहफा है जो तुमको निखार देगा, हमारे अंदर सौंदर्य बढ़ा देगा। उसके पत्ता पे खास कर देना, पानी देना सुबह सुबह। बस हो गया, इसको लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा पौधा लग चुका था और फिर मैं आ गई थी किचन में। ये खाना बनाने के बाद मैं आई थी किचन में एक्चुअली, और उसके बाद हमने चिकन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये पूरा 2 kg चिकन था और इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च एक साथ पीस करके उसका पेस्ट बना के हमने डाल दिया था। उसमें नमक नींबू सारा डाल करके उसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी मैं, और फिर इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स जीरा गोल मिर्च पाउडर ये सब डाल करके। और अभी यहाँ पे मैं जीरा ही गोल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद फिर इसको जीरा गोल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें ये गरम मसाला, चिकन गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। उसके बाद अच्छे से हम इसको मिला देंगे और ये पकौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसको देख करके। उसके बाद फिर इसमें लास्ट में कट डाल करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड, ताकि इसके हर एक चीज़ में जो है ना हर मसाले का फ्लेवर अच्छे से जाए हर चिकन के पीस में। उसके बाद इसको हम रख देंगे ढक करके। ये लड़का को हर चीज तीखा लगता है, गौर से देखिए इस लड़के को, थोड़ा भी तीखा खाना पसंद नहीं है। तो खाना पीना हो चुका फ्रेंड्स, और अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो मैंने सोचा आपको मैं अपनी ड्रेस जो बनाई थी वो दिखा दूं। तो देखिए ये मैंने प्लाजो बनाया है, ये देखिए ये हमने प्लाजो बनाया है अपने लिए। ये देखिए ये इसके मोड़ी पे हमने ऐसा डिज़ाइन दिया है, ये लेश का ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और इसका जो सूट है वो हमने ऐसा बनाया है। ये देखिए ये इसका सूट है ये, और इसका ये इस तरह से दावन है, और इसका पीछे हमने ये डिज़ाइन दिया फ्रेंड। ये देख रहे आप, ये डिज़ाइन है। और स्लीव्स पे हमने इस तरह से लेस लगाई है, दोनों स्लीव्स पे हमने इस तरह से लेस लगाई है, और टोटल ये मेरे सूट का आ रहा है। कैसे लग रहे हैं आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं जल्दी से, और हाँ इस पे का दुपट्टा, ओ गॉड ये दुपट्टा ये हमने लाया। मैं अभी आपको बहुत गंदी दिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारा डस्टिंग करके अभी निकली हूँ। मैंने सोचा पहले ये दुपट्टा है इस पर का, मैं सोची पहले नहाने से पहले एक बार आपको लोगों को सूट दिखा दूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो जल्दी से मैं जा रही हूँ नहाने, नहा करके आज मुझे ये सूट पहनना है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शैम नहीं थे तो इसलिए हमने ऐसे ही सूट करना सही समझा, और हमने अपना सूट पहन लिया है। और ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बस हल्की सा लिप बम हल्का सा लगाया फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। और आज है चिल्ड्रेंस डे, तो बच्चे लोगों का इंतजाम हो रहा है खाने पीने का, मतलब वही कुछ नहीं, चिकन पकौड़ा बनेगा और बाहर से समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आएगा। तो बस मैं जा रही हूँ अब उसी की तैयारी करने किचन में। और हमने ये देखिए गले में, ये देखिए फ्रेंड्स ये मोतियों का हार पहना है। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको सोफ़ा पे खड़े होकर के फिर फुल मिरर में आपको अपना लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस हमने बनाई है, और आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए हल्का सा प्लाजो थोड़ा सा मुझसे बड़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं, धुलाई पड़ेगा तो फिर कपड़ा सेट हो जाएगा तो आ जाएगा। तो ये है हमारी ड्रेस।
मैंने आप लोगों के लिए मिरर में खड़े होकर के अपना फुल लुक दिया है इस ड्रेस का। तो फ्रेंड्स, मैं कल मार्केट गई थी तो हमने दो चीज़ें जो भी ली मुझे आप लोगों से बस शेयर करना है, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे तो मैंने सोची जब तक थोड़ा सा मेरे पास टाइम है मैं शेयर कर लूँ। मैंने जो मस्टर्ड येलो और मरून कलर का सूट आपको दिखाया था कि मैं बनाने वाली हूँ, तो उस सूट के लिए हमने ये दुपट्टा लिया। ये देखिए इसका ये पैटर, ये तो हमें उतना पसंद नहीं आया ये, लेकिन हाँ इसका जो ये धागे का वर्क है रेशम का, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये देखिए तो एक ये दुपट्टा लिया और एक ये दुपट्टा हमने लिया जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे अब ठंडी लग रही है ना तो मैंने अपने लिए स्वेटर लिया, एक ये लिया। इस तरह से है, हाफ स्लीव्स का है, मतलब ऐसी सूट के ऊपर से घर में पहनने के लिए, यहाँ के ठंडी के हिसाब से हमने लिया है। ये देखिए तो इसका हल्का साइन भी है, देखिए इसमें ये, मतलब कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा बट ऐसे और अच्छा लग रहा है। फिर एक हमने एक फुल स्लीव्स का स्वेटर लिया, बस ये दोनों हमने स्वेटर लिया फ्रेंड्स। और दोनों स्वेटर 200 के पर, नहीं सॉरी, ये 180 का पड़ा यानी 180, और ये 200, ये 200 का पड़ा। कैसे है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ये स्वेटर हमको, इसकी स्लीव्स अच्छी लगी, ये स्लीव्स ना एकदम फिटिंग आती है। मैं आपको ऐसी जस्ट स्लीव्स ट्राई करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए ऐसे आएगी। कैसे लगेगी हम पे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ये ऐसे आएगी हम पे। तो इसका हमको ये चीज़ अच्छा लगा, तो फिटिंग बहुत अच्छी है ना। तो ये दोनों और बस यही ली थी। शैम को हमने एक जूता दिलाया, वो नॉर्मली यूज़ में पहनने के लिए, क्योंकि उनके पास जूते पुराने हो चुके थे, उनका बर्थडे भी आने वाला है। तो हमने अपने पैसा से शैम को, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको क्या गिफ्ट करूँ, तो उन्होंने बोला मुझे जूता गिफ्ट कर दो, तो हमने उनको कर दिया गिफ्ट। और उनका बर्थडे अभी टाइम है आने में, लेकिन वो इतने बेसब्र हो रहे थे कि उन्होंने कल से ही पहनना शुरू कर दिया, तो हमने भी जाने दिया कि चलो रहने दो, उनको मन है तो पहनने देती हूँ। और आज जो है ना मॉर्निंग से ही फ्रेंड्स मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, कल का थकान, खाना पीना, आज भी सुबह से मैं बहुत ज़्यादा काम वगैरह में बिजी थी, और आज भी फिर खाना पीना उल्टा ही पुल्टा होगा, मतलब थोड़ा हेवी हो जाएगा। इंशाल्लाह कल से फिर मैं बैक टू अपने रूटीन पर आ जाऊँगी, फिर सब चीज़ सही हो जाएगा। तो बस ये थी छोटी, हाँ एक जो मैंने रिंग ली, जो ये है आप लोगों ने देखा ही है, ये वाली रिंग देखिए, ये वाली रिंग, इस पे लव लिखा हुआ, फ्लावर बना हुआ, कैसी लगी आप लोग बताना ज़रूर। तो ये रिंग भी हमने ली, इसको तो मैंने उसी टाइम पहन लिया। तो बस यही है आज की, यही था हमारा छोटा सा शॉपिंग, तो हम इसलिए आपसे शेयर किया, अच्छा लगता है मुझे कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना। तो बस अब फिर मैं जाती हूँ, अब बाकी चीज़ें संभालती हूँ, देखती हूँ बच्चे अब आएंगे ही, फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी किचन में। ऐसा कोई बात नहीं है, सीखना है। और यहाँ पे बच्चे आपस में सब मस्ती कर रहे थे, मैं भी बैठ के देख रही थी, शाम भी यही पे थे तो मैं भी बैठ के देख रही थी। और फिर हो गया था शाम, 7 बज गए थे और हम यहाँ पे आ गए थे किचन में, फिर से चिकन पकौड़ा फ्राई करने की तैयारी हमने शुरू कर दी थी। मतलब पूरा पूरा डालो ना, कड़ा सेट कर दीजिएगा। ज़्यादा कान बज रहा ना। चिल्ड्रन डे के मौके पे आज बना है यहाँ पे समोसा है जो बाहर से आया है, और ये चिकन का पकौड़ा समझिए इसको आप, पकौड़ा समझिए, इसको खाते हैं यहाँ पे रेड सॉस है, टोमेटो सॉस। बर्फ जमा हुआ है तो ये सारा स्टिंग आया है आज चिल्ड्रंस डे के मौके पे, तो चलो। और ये नगमा के लिए हम सब,
तो आज का हैप्टिक डे खत्म हुआ और बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत थक चुके हैं। दो कल तो इसको मार्केट लेके गए थे और आज चिल्ड्रेंस डे था, जिसके वजह से सुबह में बच्चों को लेके चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, उन लोगों का भी थोड़ा जिद था। और फिर शाम को उसका पूरा तैयारी ये सब करने के बाद बच्चे कुछ देर पहले गए हैं, तो हम लोग भी आज पूरा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। बाकी नगमा देखिए आज कैसी लग रही है नए कपड़े में। और हमें, हम दोनों को लग रही है अब भूख, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली मैं डिनर अब 6 बजे भी कर नहीं पा रही हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं बैक टू अपने रूटीन पे आ जाऊँगी, जो मेरा डाइट वगैरह वो कल से मैं अच्छे से फिर से फॉलो करना शुरू कर दूँगी। 2-3 दिन से टाइम पूरा ख़राब, हर चीज़ ख़राब हो गया है, लेकिन कल से इंशाल्लाह मैं फिर से अपना जो मेरा रूटीन है उसमें आ जाऊँगी। तो दिन में जो गोभी आलू की सब्ज़ी बनी थी वो बची हुई, और हमने थोड़ा सा थक गई थी तो मैं थोड़ा सा राइस ही चढ़ा दी थी, तो वही है अभी डिनर में, तो वही हम दोनों कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों आराम करेंगे और यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। ब्लॉग एंड करने से पहले मुझे एक चीज़ याद, तो बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि है ना दी आपका सब चीज़ तो मतलब वेट कम हुआ है लेकिन फेस का फैट थोड़ा कम करें, तो फेस का फैट मेरा बहुत ज़्यादा कम हो चुका था और अभी भी था, मगर ये 2-3 दिन जो मैं बीमार पड़ी ना, मुझे ठंडी लग गई थी और मेडिसिन वगैरह जो उसका एंटीबायोटिक वगैरह चला था उससे मेरे फेस पे भी काफ़ी स्वेलिंग आई है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से भी फिर मैं कल मार्केट गई तो थकान, बाहर में ये इधर उधर का फूड वगैरह थोड़ा जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा ली, तो उसकी वजह से हमारे फेस पे स्वेलिंग आ चुकी है। पैंट जो 2-3 दिन अगर मैं सही से फिर डाइट वगैरह करूँगी वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फेस का भी फैट मैं ख़त्म कर लूँगी जो भी थोड़ा बहुत है। और थोड़ा मेरा फेस राउंड टाइप का है तो अगर हल्का भी फेस में थोड़ा भी फैट आता ना तो वो थोड़ा चबी चबी दिखने लगता है, ये इशू है मेरे फेस का। तो यही है, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।